पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जिनके अमृत प्रवचन फिलहाल भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में जारी है, सीधा जुड़ेंगे। तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कोसों में चढ़ाए पन्नगे चय सुरेंद्र चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, नव विधे पुण्य पन्नते तंजहा अन्न पुण्य पान पुण्य वत्थ पुण्य लेन पुण्य सयन पुण्य मन पुण्य वैपुण्य काय पुण्य नमोकार पुण्य। जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत है, आठ कर्म बताए गए हैं, 25 बोल को याद रखने वाले स्मृति कर सकते हैं, 10वां बोल कर्म 8। इन कर्मों में चार कर्म तो एकांततया पाप रूप में ही होते हैं, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय अंतराय। ये चार कर्म एकांततः पाप रूप में ही होते हैं, पुण्य का तो कोई नाम ही नहीं है इनमें। इन्हें घाती कर्म भी कहा जाता है, चारों एकांत पाप वाले कर्म हैं। शेष चार कर्म अघाती कर्म कहलाते हैं, वेदनीय आयुष्य नाम गोत्र। ये चार कर्म ऐसे हैं, इनमें से प्रत्येक कर्म पाप रूप भी होता है तो पुण्य रूप भी होता है। जैसे वेदनीय कर्म को ले, उसके दो भेद, सात वेदनीय असात वेदनीय। तो सात वेदनीय पुण्य रूप है, असात वेदनीय पाप रूप है। आयुष्य को ले, शुभ आयुष्य अशुभ आयुष्य, तो शुभ आयुष्य पुण्य रूप में है, अशुभ आयुष्य पाप रूप में है। नाम कर्म को ले, शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म, शुभ नाम पुण्य रूप में, अशुभ नाम कर्म पाप रूप में। इसी प्रकार गोत्र कर्म को ले, उच्च गोत्र नीच गोत्र, उच्च गोत्र पुण्य रूप में और नीच गोत्र पाप रूप में। तो अघाती कर्म हैं वे पुण्य पाप दोनों होते हैं। इसका मतलब यह हो जाता है कि हम प्रतिशत में अगर एक मोटा मोटी निकालें तो आठ कर्मों में 75% तो पाप के खाते में आते हैं, 25% पुण्य के खाते में आते हैं। पुण्य कर्म का बंध होता है, शास्त्रकार ने पुण्य के 9 प्रकार बताए हैं। अन्न पुण्य पहला प्रकार है, पात्र को अगर भोजन अन्न रूप भोजन दिया जाता है यथाविधि, जैसे शुद्ध साधु को कोई दान देता है शुद्ध दान, दान देने में चित्त वित्त पात्र, दान देने वाला भी शुद्ध हो, देय वस्तु भी शुद्ध हो और जिसको दिया जाए वो भी शुद्ध हो,
तीनों से होते हैं तो आध्यात्मिक संदर्भ में वह एक विशुद्ध कोटिक दान हो जाता है। तो शुद्ध साधु को शुद्ध दान शुद्ध दाता देता है भावना के साथ, तो उससे पुण्योपार्जन हो सकता है, पुण्य का बंध, यानी वो शुद्ध दान देना पुण्य कर्म के बंध का कारण बन जाता है, कार्य होगा कि पुण्य का बंध हो जाता है। इसी तरह पान है, कोई पानी भी साधु को दे रहा है, वही शुद्धता की बात, तो पुण्य का बंध। साधु को वस्त्र का दान दे रहा है, सारी बातें वही है चित्त वित्त, तो फिर पुण्य का बंध। कोई अपना मकान कि मेरे घर में स्थान है, आप यहाँ प्रवास करो, साधु को मकान का रहने के लिए देता है, तो वह भी पुण्य का कारण। इसी तरह सैया संस्तारक बहराता है, देता है, वह भी पुण्य बंध का कारण। और फिर मन पुण्य वचन पुण्य, दूसरे गुणी लोगों के गुणों को देखा और मन में बड़ी प्रसन्नता, कितना अच्छा आदमी, गुणवान आदमी, तपस्वी आदमी, साधक आदमी, मन में अनुमोदन आ रही है, प्रसन्नता, तो वह भी पुण्य बंध का कारण। मन पुण्य, वाणी से प्रशंसा करता है भी, कितना धन्य है, तपस्वी है, साधु है, तपस्या करने वाला, साधना करने वाला, तो वाणी से वो पुण्य का, वाणी के कारण से भी पुण्य का बंध, यानी वो वचन भी पुण्य का कारण बन सकता है। शरीर से कोई अच्छा काम करे, धार्मिक काम करे, तो शुभ योग है काया का, तो पुण्य का बंध। और साधु आदि को नमस्करणियों को नमस्कार करता है, तो पुण्य का बंध। यूं ये नौ कारण पुण्य बंध के हो जाते हैं। एक प्रश्न उठता है कि निर्जरा और पुण्य दोनों का संबंध बताया गया है, एक तरह से दोनों के नीचे आधार एक है, शुभ योग दोनों का आधार है, निर्जरा भी शुभ योग से होती है और पुण्य का बंध भी शुभ योग से होता है, तो यो मानना चाहिए एक मूल की दो शाखाएं हैं, एक मूल है उत्स है, ऊपर दो शाखाएं हैं, या यो कह लें कमल की नीचे वो नाल कह दें डंडी, ऊपर वो पंखुड़ियां हैं, तो दो पंखुड़ियां, यो कह दें पक्षी के दो पंख हैं। तो निर्जरा और पुण्य दोनों का मूल आधार एक तरह से एक है, शुभ योग एक शाखा निर्जरा की, दूसरी शाखा पुण्य की हो जाती है। इसलिए यह जो बात है कि वो पहले पुण्य का बंध या पहले दो कार्य होते हैं, यानी कारण तो हो गया शुभ योग, शुभ योग कारण से दो कार्य हो रहे हैं, एक निर्जरा का कार्य और दूसरा पुण्य बंध का कार्य। तो प्रश्न है कि पहले कौन और पीछे कौन, तो बताया गया है हमारे पुरानी बात में संत, पहली पानरा और पछे धानरा, पहले पान फिर धान, तो पै पुण्य धै धर्म निर्जरा, तो पहले पुण्य फिर निर्जरा। तो एक प्रश्न होता है फिर कि पहले पीछे एक घंटा दो घंटा का फासला है, क्या है? प्रश्न कोई कर सकता है कि पहले पुण्य बाद में निर्जरा, तो पहले पुण्य हो गया आधा घंटा, घंटा बाद निर्जरा होगी, ऐसा है क्या है? मुझे परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति हो रही है, मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी ने फरमाया था कि देखो, यानी कि पुण्य निर्जरा है, दोनों कार्यों का प्रारंभ एक साथ ही हो जाता है, प्रारंभ एक साथ, संपन्नता में फर्क पड़ता है, पुण्य का बंध का कार्य पहले संपन्न होता है, निर्जरा वाला कार्य बाद में संपन्न, इसलिए पहले पीछे की बात कहते, बाकी दोनों का प्रारंभ तो साथ में होता है। तो ये शुभ योग से दो कार्य, निर्जरा और पुण्य। एक सिद्धांत यह भी रहा है जिसमें मतभेद रहे हैं, एक मान्यता रही है कि निर्जरा के बिना पुण्य का बंध नहीं हो सकता, स्वतंत्र
पुण्य का बंद नहीं हो सकता। हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की मान्यता कि स्वतंत्र पुण्य का बंद नहीं, निर्जरा के साथ ही पुण्य का बंद हो सकता है, और अन्य मान्यता में स्वतंत्र पुण्य बंद की बात भी हो सकती है। तो ये निर्जरा और पुण्य की बातें हैं। एक फिर प्रश्न उठा रहा हूं, क्योंकि हमारे संत लोग भी हैं, साध्यां भी हैं, साध्यों में भी कई हमारे शास्त्रज्ञ तत्वज्ञ मनीषी, कई तरह के संतों में भी ऐसे तत्वज्ञ ऐसे आगमों से भी परिचित। तो प्रश्न यह है कि कोई आदमी चाहता है कि मेरे पुण्य पुण्य ज्यादा नहीं, मुझे निर्जरा चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? कि पुण्य नहीं चाहिए, मुझे निर्जरा चाहिए, कि ज्यादा हो तो निर्जरा ज्यादा हो, पुण्य हो तो कम, मेरे निर्जरा ज्यादा हो, उसको क्या करना चाहिए? कि जो पुण्य को नहीं चाहता, निर्जरा ही ज्यादा चाहता है, उसका उपाय क्या है? क्या कोई ऐसा सिद्धांत है कि अमुक अमुक कार्य करोगे तो निर्जरा ही ज्यादा होगी, पुण्य ज्यादा नहीं होगा तुम्हारे, यह काम करने से निर्जरा ही ज्यादा? यह कोई सिद्धांत किसी ग्रंथ में मिलता है क्या कि अमुक प्रवृत्ति से अमुक उपक्रम से निर्जरा ही ज्यादा होगी, पुण्य होगा नहीं या विशेष नहीं होगा? यह किसी ग्रंथ में मिलता है क्या? हमारे जो चारित्र आत्माएं हैं, तत्वज्ञानी और या अन्वेषक, वे कोई बता सके तो कि ग्रंथ में कोई बात है क्या कि अमुक कार्य करने से निर्जरा की प्रधानता और पुण्य की गौणता? और ऐसा भी कोई सिद्धांत है क्या कि अमुक कार्य करने में पुण्य की प्रधानता रहेगी और निर्जरा की गुणता रहेगी? यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि ऐसा कोई सिद्धांत है क्या कि जो जो साधना आगे बढ़ेगी, निर्जरा निर्जरा ज्यादा ज्यादा होती जाएगी या पुण्य बंद कम होता जाएगा? जैसे गुण स्थानों में आगे बढ़ोगे तो निर्जरा ज्यादा होगी, पुण्य बंद कम होगा, ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? है तो कौन से ग्रंथ में है, कहां है, वो भी बात है। तो ये निर्जरा और पुण्य के संदर्भ में कई प्रश्न मैंने उठाए हैं। तो हमारे तत्व, क्योंकि भीलवाड़ा में 200 से ज्यादा चारित्र आत्माएं विराजमान है, 200 से ज्यादा चारित्र आत्माएं, हर चौमासे में तो 200 से ज्यादा चारित्र आत्माएं हो, ऐसा कम मौका आता होगा। इस बार ऐसा मौका है, और भी पहले कभी कभी आया होगा, पर इस बार तो है। 200 से ज्यादा चारित्र आत्मा, 200 से ज्यादा है तो अलग अलग विषयों के वे जाता हो सकते हैं, अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, अलग अलग खूबियां हो सकती हैं। तो यह जो तत्व ज्ञान आगम संबंधी बात है कि ऐसा कौन सा कार्य जिसमें निर्जरा ही ज्यादा हो, पुण्य ज्यादा नहीं, ऐसा कौन सा कार्य पुण्य ज्यादा बंदे निर्जरा कम, ऐसा कोई है क्या? पहली बात है क्या, हो तो फिर कौन से वो कार्य हैं? और कोई आगे आगे साधना बढ़ने के बाद निर्जरा बढ़ते जाएगी, पुण्य कम बंधता जाएगा, ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? है तो वो ग्रंथ का प्रमाण भी चाहिए। तो ये निर्जरा और पुण्य के संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा कि दोनों का वैसे एक आधार तो शुभ योग बनता है, कि शुभ योग से निर्जरा भी होती है और शुभ योग से पुण्य का बंद भी होता है। इसलिए जो योग आश्रव है वो शुभ योग आश्रव, तो शुभ योग आश्रव क्या है कि शुभ योग से जो पुण्य का बंध है वो शुभ योग आश्रव हो जाता है। पुण्य का बंध होता है ना शुभ योग से, वह शुभ योग आश्रव है। कर्म कटते हैं वो शुभ योग आश्रव नहीं है, वो शुभ योग निर्जरा है। इसलिए मैं शुभ योग के भी दो प्रकार बताना चाहूंगा, एक शुभ योग निर्जरा और एक शुभ योग आश्रव। चीज तो एक ही है, दो कार्य होते हैं, कारण तो एक है, कार्य दो होते हैं। तो कारण की अपेक्षा तो एक ही मान ले शुभ योग है, कार्य की अपेक्षा से दो भेद किए जा सकते हैं शुभ योग के, एक शुभ योग आश्रव, दूसरा प्रकार शुभ योग निर्जरा।
अब हम और गहराई में जाएं कि शुभ योग आश्रव क्यों है और शुभ योग निर्जरा क्यों है, किसका किस कौन सा हेतु बनता है जिस हेतु से शुभ योग आश्रव का काम कर देता है, कौन सा हेतु बनता है जिसके कारण से शुभ योग से निर्जरा हो जाती है। तो यह भी एक वैसे प्रश्न है हमारे तत्वज्ञ जो चारित्रात्माएं हैं कि इसका क्या उत्तर है। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि भाई दामोन्य क्रम का क्षयोपशम उपशम वो चीजें तो निर्जरा की हेतुभूत बनती है, और जो नामक्रम ऐसे हैं नामक्रम वो पुण्य बंध के हेतु बनते। तो ऐसे व्यवस्थित ग्रंथ के आधार पर कोई बात कहीं मिलती है क्या? यह चौथा प्रश्न है अन्वेष्य हमारी चारित्रात्माओं के लिए कि चौथा की यह शुभ योग से पुण्य बंध का हेतु क्या और शुभ योग से निर्जरा का हेतु क्या, उन हेतुओं को यदि ग्रंथाधार युक्त कोई प्रस्तुत कर सके तो वह भी एक व्यवस्थित ग्रंथाधारित उत्तर भी प्राप्य है। तो यह शास्त्रकार ने जो पुण्य के बारे में चर्चा की है वैसे यह थोड़ा सा एक विवादास्पद विषय बनता है। हमारे धर्म संकरा पंथ दर्शन की मान्यता और कुछ अन्य आमनाई की मान्यता में इस सूत्र की व्याख्या में अंतर है। हम तेरा पंथ दर्शन की विस्तृत व्याख्या करें, चर्चा करें, दान दया सिद्धांतों में जाएं तो यह जो थानम का सूत्र है, नौवें थानम का नौवें स्थान का 25वां सूत्र है, पाठ तो ठीक है, इसकी व्याख्या में मतैक्य नहीं है, वैमत्य है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की अपनी अलग मान्यता अपनी मान्यता है और अन्य आमनाई की अपनी मान्यता है। तो कि किसको देने से, किसको दान देने से पुण्य का बंध है, किसको दान देने से पुण्य का बंध नहीं है, यह एक वैमत्य की बात हो जाती है कि किसको दान देने से पाप का बंध होता है, किसको दान देने से पुण्य का बंध, साथ में निर्जरा की बात। तो यह एक प्राचीन हमारे ग्रंथों में और खासकर हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की उत्पत्ति के परिपार्श्व में कुछ नई मान्यता भी उपस्थित हुई है, खड़ी हुई है। तो यह एक थोड़ा सा और सघन और विस्तृत एक विवेचन का विषय बन जाता है। अब पुण्य का जो बंध है, मान लें कि पुण्य का बंध हो जाता है कि अनाज और तूड़ी भूसी, अनाज है साथ में भूसी भी हो जाती है, पर खेती कोई भूसी के लिए थोड़ी करते हैं, मूल तो अनाज चाहिए, भूसी साथ में आ जाती है। तो हम शुभ योग करें वो पुण्य के लिए नहीं करें तो निर्जरा के लिए करें, पर साथ में पुण्य का बंध भी हो जाता है तो हो जाता है। अब एक और बात है, क्योंकि हमारे तत्वज्ञानी और साधु साधियां दो चारित्र आत्माएं कि यह जो निर्जरा और पुण्य की बात है वह वैसे पुण्य का साथ में बंद हो जाता है, परंतु इस पुण्य की आकांक्षा अगर मन में आ जाती है, पुण्य का लक्ष्य बन जाता है, वो साधना के लिए साधक के लिए बढ़िया नहीं। पुण्य की वांछा करना अपने आप में गलत, साधना की दृष्टि से वो गलत बात हो जाती है। जो निदान कोई कर ले कि मैंने तपस्या की साधना की इसका फल हो तो मुझे, मैं अगले जन्म में आगे चक्रवर्ती बन जाऊं, वो बन जाऊं, सम्राट बन जाऊं, ऐसी कामना कर लेता है तो वह साधना की दृष्टि से माने निदान हो गया, वापिस आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया है, तो वह एक तरह से मान लो तपस्या को हमने छोटी चीज के लिए बेच दिया, खत्म कर दिया, बेच दिया मान लो। मैं जो प्रश्न उठाना चाहता हूं इस पुण्य निर्जरा के बारे में हम वो ये उठा रहा हूं कि मल्ली भगवान जो थे और भी कोई तीर्थंकर बनते हैं तो मान लो पिछले यह तीर्थंकर का भव, इससे पहले देवलोक का मान लो नरक का जो भी भव है
उससे पहले मान लो वो तीर्थंकर नाम का बंद करते हैं। प्रश्न यह है, जैसे मल्लीनाथ, उन्होंने मल्लीनाथ का भव, उससे पहले देवगति मान लो, फिर जो मनुष्य के रूप में वो साधना की साधु बने, उस जन्म में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया था। अब प्रश्न यह है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो गया तो निश्चित है वो मनुष्य बनेगा ही बनेगा, निश्चित है पंचेंद्रिय बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब हुआ कि मल्लीनाथ का तीसरा भव या मल्लीनाथ से तीसरा भव जो मनुष्य का था, क्या उसी भव में उन्होंने तीसरे भव का आयुष्य बंद कर लिया था क्या? तीर्थंकर बनना तय हो गया। तीर्थंकर बनना तय होने का मतलब है मनुष्य गति होना तय हो गया, पंचेंद्रिय होना तय हो गया। तो आयुष बंद के छह प्रकार हैं, गति आयुष बंद, जाति जाति नाम गति नाम। तो क्या मल्लीनाथ का जाति नाम गति नाम ये चीजें पिछले तीसरे भूमि का उनका बंद हो गया था कि नहीं हुआ? क्योंकि नहीं हुआ तो तीर्थंकर नाम का बंद अगर हो गया तो मान के तीर्थंकर कोई पशु तो बनेगा नहीं, तीर्थंकर कोई देवता तो बनेगा नहीं, आसाधना न हो, बनेगा तो मनुष्य बनेगा। इसका मतलब तय हो जाना क्या नहीं हुआ था क्या कि वो तीर्थंकर नाम बांध लिया तो मनुष्य गति भी बांध ली और पंचेंद्रिय पना भी बांध लिया। ऐसी बातों का बंधन क्या उस तीसरे जन्म में नहीं हो गया था क्या? इस बारे में सिद्धांत क्या बनता है या कोई विमर्शनीय विषय है, यह भी हमारे तत्वज्ञ जो चारित्रात्माएं हैं उनके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं ताकि वे एक्सरसाइज अपनी कर सकें, जो करना चाहें या अवकाश हो तो। ऐसा कोई आधार है क्या या एक विमर्शनीय विषय भी बनता है क्या कि यह तीसरे जन्म में कहीं कहीं पहले ही आयुष्य का बंद, तीसरे जन्म का आयुष्य पहले निश्चित या बंद हो जाता है, यह भी एक अनवश्य विषय बन जाता है। तो यह पुण्य का बंद होता है, पुण्य का उदय होता है। तो अब ध्यातव्य बात यह है साधु साधु चारित्रात्माओं के लिए भी और गृहस्थों के लिए भी कि पुण्य है वो भविष्य के पाप का निमित्त न बन जाए। कि अभी मान लो पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय में फिर वो भोग में विलास में पाप में आसक्ति में व्यसनों में परिग्रह में इनमें लग गया तो वे जो पुण्य का उदय हो रहा है वो आगामी पाप का निमित्त या कारण बन जाएगा। तो हमें ध्यान यह देना चाहिए कि मेरे पुण्य का योग है तो वो पुण्य का योग मेरे आगामी पाप का निमित्त न बने, पाप का कारण न बने। ठीक है पुण्य है तो भोग रहा हूं, उदय में पुण्य आ रहा है तो अनुकूलताएं हैं तो मैं और ज्यादा साधना का लाभ उठाऊं इस अनुकूल स्थितियों का, मेरे भावी पाप के बंध का कारण मेरा पुण्य का उदय न बन जाए। इसीलिए किसी ने तो कह दिया पुण्यम मा हो, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य न हो भी वो पुण्य से भी वो फिर वो मद अकते कते पाप का बंद हो जाए। तो मुझे जो भी बात है मूल भाव है कि पुण्य नहीं चाहिए मुझे, तो मान लो फिर भी पुण्य का योग है अब पाप का कारण न बने। इसका प्राणी को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पुण्य भावी पाप का निमित्त न बन जाए। दानान सिठम अभय पयानम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। मगवा गणी प्रवर जीवन के मानो संध्या काल में विराजमान है, उत्तराधिकारी की नियुक्ति करके आपको एक करणीय कार्य जो बंके वास्ते अवश्य करणीय सो कार्य हो बिना संपन्नता प्रदान कर दी है। धर्म संघ भी निश्चिंत है, भी व्यवस्था अगली होगी है। कौन उसके नाम नाम माल स्पष्ट को नहीं पर संकेत जरूर मिल गयो है अमुक संत की अपना भावी गणनाथ है। और बाद में जो विस्तृत जो लिखित की बात है हस्ताक्षर कराना वह प्रक्रिया भी संपन्न
इनमें कई बातें भी काई काई यानी भावी मानक लाल जी है दीक्षा बांकर नाम सुधने बिया करनी बिया आदि आदि पन अधिकार काई काई है बिरी बात मामलो भी कमाई न आ जावे है इको भी सुंदर चित्रण मानक महिमा के मायने पद्या के मायने जो स्वामी जी के लिखित में बात है बिना पद्या के मायने बहुत सुंदर ढंग से मानो इन्हें स्थापित प्रयोग है तो पद्या में कोई जान सके काई काई वर्तमान आचार्य अधिकार हुए वह बताई में कुछ जानी जा सके। अब एक प्रश्न है परम पूज्य मगवा गणी वो जिको उत्तराधिकार पत्र लिखो हो तो वो पहली क्यों लिखो जिकी टेम दिनों बी टेम में लिखो दे दें ता पिता दिन पहली लिख क्यों छोड़ दियो जिके दिन उत्तराधिकार नियुक्ति करनी है बी टेम में एक दो घंटा पहली भी आदमी लिख रहे तत्काल सौंप दे बस पिता दिन पहली लिख रहे छोड़ दियो और अब नियुक्ति तो बाद में कर रही है चैत बदी दूध न हो रही है तो वो काई कारण है युवाचार्य पद प्रकट में अब देणो अभिराम नियत चेत बिद दूध दिन शुभ बेड़ा शुभ याम जम्मर काड़ू राम जी की शुभ हेली जान चोक माहिना में रुचिर महामहिम मंदान संघ चतुष्टय सामने मानक ने मन चाह अपनी पूज्य पछे वरी उठागे सोत्साह औदासीन्य प्रमोदरो उभय मिलन एक साथ अनेकांत मत को अतुल उदाहरण आख्यात मघव मुनि स्वस्थता उदासीनता हेतु मानक भावी पद मिलन परम प्रमोद सहेतु यानी लागे शुभ मुहूर्त देखो गयो तो किस दिन युवाचार्य की नियुक्ति करनी ऑफिशियल नियुक्ति करनी पब्लिक यानी सबके साथ जाहिर रूप में तो वो दिन आयो तो चैत बुद्धि दूज के दिन नियुक्ति होनी चाहिए। अब देखो मैं प्रश्न रखो के फिर दूज नहीं लिखा देता कल ही लिख क्यों तो सौंपना पड़ो सच्चा ने देना पड़ो इतना काम करना पड़ा खाम में गालोर दिया गालोर करो तो बीते दूज नहीं सुबह विरासता लिखो और वाह बुलाओ मानक जी ने संता सच्चा ने सौंपो मानक वो काम भी कर सकता। अठ बात बहुत गया तो बहुत सामान्य सी बात ही है मगवा गुणी ने कल्पना लागो उसी कहीं था दूज आवे नहीं आवे कहीं था दूज आवे नहीं कहीं था तो मूर्त तो दूज को है इसो मैं काम करूं तो मूर्त में ही करूं या हल्कना ही क्यों करूं तो कर्णो दूज ने है तो दूज बिन आशिक नहीं हो कहीं था है ये वास्ते नहीं आवे तो ये काम बाकी रह जावे नहीं यहां लागे जना मगवा गणी निर्णय करियो उसी कि मैं पत्र तो जल्दी पहले लिख दू और दूध आज ही सी तो मैंने सामने कर सकूं बाई चांस बात स्थिति नहीं उसी तो पत्र मारो काम आज ही सी ये वास्ते वे एक रास्ता निकालियो है पत्र पहले लिख देवा तो एक तो आधार तो बनी गो अपने निर्णय को प्रगट में भी करनो है तो प्रगट में आयुष्य को योग है दूज ताई रहशा योग उसी तो सामने कर सकते अनुकूलता उसी स्वास्थ्य की बाई चांस बा अनुकूलता नहीं रहे कदी शरीर की स्थिति कोई बन जावे लारे वो पत्र है पत्र से मारो काम हो सकसी ई वास्ते बे पहली पत्र लिख दियो कई दिन पहली लिख छोड़ दियो। अब दूज आई है चैत बदी दूज कालूराम जी जम्बड़ को वो मकान हवेली है जमुना की हवेली
और बठे वो मान लो चौक है, बठे चतुर्विध संग, साधु भी, सत्या भी, श्रावक भी, श्राका भी, छोटे से बीते से स्थान में प्रोग्राम जगह युवाचार्य मनयन को। अब गुरुदेव आपकी पली पछेवड़ी स्वयं धारण करे और पछे बाने माणक मुनि ने आपकी पछेवड़ी बाने ओढ़ावे। वो पछेवड़ी ओढ़ाने को मतलब मारो दायित्व में अब थाने विधिवत ऑफिशियल प्रकट रूप में अब सौंप रही हूं। तो बात छोटी, एक पछेवड़ी है, पछेवड़ी को भाव तो कितो हुए कि पछेवड़ी को भार तो एक किलो ही होना मुश्किल है, कोई ग्राम कई कुछ ग्राम मांगे तो सो बोझ में समझांगे, बोझ में लगावे अगर पछेवड़ी ने तो कितो काशी एक किलो ही होना है, 100-200 ग्राम मान लो, परंतु भी पछेवड़ी के माध्यम से जितो बड़ो भार बांध कर ला दो वो अपने आप में बड़ो भार है। मानक मुनि पर पछे वे ओडी है तो ओडा बाद पछेवड़ी को भाव तो कितोक लागे उसी बने ओढ़ने सु शरीर पर भी पछेवड़ी का माध्यम सु मगवाग्नि जिको बने भार दियो है वो भार बहुत बड़ो भार दियो है। तो वो बड़ो भार मगवाग्नि आपके हाथ सु आपके खुद के सामने अब मानक मुनि ने दे दियो है। अब वो जिको समारोह हुयो है युवाचार्य पद प्रदान को एक सागर दो चीजा या शुभ योग से दो हुए नी निर्जरा और वो पुण्य तो यहाँ कले उपक्रम से भी दोनों मानो खुशी भी उदासी दोनों हो रही है। तो उदासी ई बात की मगवागणी तो पधारने की तैयारी कर ली आपकी, यानी कहेंगे तो पधारने की स्थितियां बन रही है, ये बात की तो उदासी संग अपना गुरुदेव मगवागणी अब छोड़कर पधारने की मानो स्थिति को अनुमान अब हो रही है। खुशी ये बात की आपने नया भावी आचार्य तय हो गया, आपका बिया निश्चिंत हो गया, अपने भावी आचार्य सामने तय हो गया। तो उदासीनता प्रमोद को वो मानो एक प्रसंग बन गयो और अब संघ में युवाचार्य आचार्य युवाचार्य की मानो कुछ दिनों के वास्ते भी वो जोड़ी होगी। जय मघवा मघवा मान करो वीरु दरबधावा गौरव गावा आयो दो दिन आजरो हो आजरो हो आजरो। जय मघवा मघवा मान करो धीरुद बधावा गौरव गावा आयो ओ दिन आजरो हो आजरो हो आजरो। तो सरामा समझन पावा भाग्योदय सरसावा गावा तेरा पंथ समाजरो हो राजरो हो राजरो। बरसा बरसा शू ओ मोको खूब दिखायो देव, बरसा बरसा शू ओ मोको खूब दिखायो देव, ओरारो एहसान न राखो करो धरो स्वयं ओरारो एहसान न राखो करो धरो स्वयं विजय श्री भई सव शासन री विजय श्री
भैक्षव शासनरी आपा आग बढ़ावा गावा भाग्योदय हो राजरो हो राजरो हो राजरो विजय श्री भैक्षव शासनरी आपा आब बढ़ावा गावा तेरा पंथ समाज रो हो राज रो हो राज रो तीज चौथ तर तर दुर्बलता अब पांचम की रात तीज चौथ तर तर दुर्बलता अब पांचम की रात उलझ उलझ कर खांसी आवे कुमलावे गुरु गात उलझ उलझ कर फांसी आवे कुमलावे गुरु बात देखने लाग्या सब घबराग्या देखने लाग्या सब घबराग्या नहीं दिला सह पावा गावा तेरा पंथ समाज रो हो आज रो हो आज रो मगवा गणी अब युवाचार्य पद प्रदान कर दियो। अब आपने संघ में युवाचार्य श्री मानकलाल जी पूज्या है, आचार्य युवाचार्य की जोड़ी होगी है। यहाँ के लोग दिन सरदार शहर में आयो तो मगवागणी आपको उत्तराधिकार सौंप दियो है। आप तेरा पंथ को भाग्य है, यहाँ के युवाचारी आप आगू आगे यानी उत्तराधिकारी मिल रहा है। तो बहुत यानी बरसा बरसा सियों ओ मौको दिखायो है। यानी अब पहली दयाचार्य मगवागणी ने युवाचार्य मगवान बनाया है और गिरे बाद में अब मगवागणी मुनि मानक ने युवराज पद प्रदान करियो है और आपका खुद आपरो काम कर दियो दूजा ने एहसान को नी। और जय मगवा पहली जय मगवा की जोड़ी फिर मगवा मानक की जोड़ी होगी। और एक अपेक्षा देख सका कि मानक मुनि की नियुक्ति में कोई अंश में कोई अपेक्षा सु जय मगवा दुनिया को हाथ है, जय मगवा दुनिया को हाथ है। बाकी नियुक्ति कोई संदर्भ में कोई अपेक्षा मान सका मगवागणी अधिकारी ऐसा सागर दयाचार्य को भी कमाई ने योग है मुनि मानक ने उत्तराधिकारी मिलने में कि बे बाकी दीक्षाओं पहली जिको एक वचन निकाल दियो हो वो वचन मान लो संपन्न हो रहे है क्रियान्वित हो रहे है। और ज्या फरमाग्या के मगजीरा लारे कोई चैसी तो लारे मगवागणी बने आपको उत्तराधिकार सौंप रिया है। तो जय मगवार मगवा मानक जय मगवा की जोड़ी भी है, जय मगवा दुनिया को संयुक्त रूप में मानो अवदान है कि संघ ने मानक जियांकला मानक युवाचार्य मिलिया है। तो अब दूस उगी तीज आवे चौथ आवे गुरुदेव मगवागणी को शरीर तो तर तर दुर्बल होते जा रही है। आखिर पंचम आ जावे पंचम की रात आ जावे पंचम की रात व चैत बुद्धि पंचम में उलझ उलझ कर खांसी आ रही है। गुरुदेव को श्री मनो कुमला गयो संत जो भी देखने लागे घबरा गया वो कहीं इतनी क्या खांसी उलझ रही है इतनी पीड़ा हो रही है मानो की। परंतु अब गुरुदेव फरमावे मगवागणी एक राहत की बात बीच में हुए राहत की बात पूज्य कहे क्यों घबरावो अब मारी खांसी शांत पूज्य कहे क्यों घबरावो अब मारी खांसी शांत
जानक ताला कूंची लागी जागी नहीं नितांत जाओ मानक जी ने जागो जाओ मानक जी ने जाओ सखरी सीख सुनावा गावा तेरा पंथ समाज रो हो राज रो हो राज रो। अब मगवागणी फरमायो घबराओ ना संता घबराओ क्यों अब मारे ठीक है अब मारे खांसी शांत है और मानो खांसी का ताला कुंच लग गया खांसी शांत होगी तो मानो की अब खांसी आंटी तब तो फरमाने में दिक्कत अब खांसी शांत है तो इस समय को उपयोग करा मानो या सोचो वेला तो मगमागणी फरमाया के मानक राज जी ने बुलाओ संता मानक जी ने बुला कर जाओ तो गुरुदेव युवाचार्य नव नियुक्त युवाचार्य श्री मानक लाल जी ने याद फरमाई है अब क्या युवाचार्य श्री पदारे आचार्य श्री खने और क्या अब आचार्य श्री शिक्षा वहां फरमावे है आदि आदि बातों को वर्णन यथा संभव आगे आशीष परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना और माणक महिमा का वह मधुर आख्यान संगानमय आज सरदार शहर के लोग भी यहाँ पर उपस्थित है वे भी उस इतिहास को सुन रहे हैं। वैसे यहाँ क्या देश विदेश में कहीं पर भी लोग जो श्रवण कर रहे हैं वे इस इतिहास को सुन रहे होंगे देख रहे होंगे। आज कल और आज इन दो दिनों के लिए 12 व्रती कार्यशाला कल ऑनलाइन थी आज उनका मंचीय कार्यक्रम भी है तो 12 व्रती कार्यशाला अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के तत्वावधान में तो पूज्य परम पूज्य गुरुदेव अमृत वचन फरमा रहे हैं गुरुदेव। श्रावक के 12 व्रत एक त्याग संयम की चेतना जगाने का एक मानो प्रयोग है। साधु के 5 महाव्रत होते हैं श्रावक के ये व्रत ऐसे 12 व्रत अनुव्रत होते हैं तो त्याग होने से वह श्रावक भी एक रत्नों की माला की कोटि में आ जाता है। जैसा कि प्राचीन साहित्य में स्वामी जी के साहित्य में आश्रय कहा गया है साधन श्रावक रत नारी माला एक मोती दूजी नानी रे गुण गूंथा चारों तीरथना इबरत रह गई कानी। तो साधु भी रत्नों की माला और श्रावक भी रत्नों की माला।